हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग चैप्टर टू क्लास टेन पॉलिमिल्स वीडियो थ्री है इसमें हम एग्जांपल सिक्स से कंटिन्यू कर रहे हैं इट्स एग्जांपल पेज नंबर बुक डिवाइड टू एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस टू अंदर रखा हमने टू एक्स स्क्स एक्स प्लस वन जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस टू से कुछ भी नहीं तो यहां वन है वन एक्स को यहां पर मुझे चाहिए टू एक्स के नीचे टू एक्स का स्क्वायर तो किससे मल्टीप्लाई करूं वन एक्स को वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करती हूं तो क्या आ जाएगा टू और एक एक्स तो ऑलरेडी यहां पे है एक एक्स एक और लगा दिया तो एक्स को एक्स से किया एक्सक्वायर टू एक्स स्क्वायर आ गया फिर जो टू एक्स स्क्वायर आ गया टू एक्स को पीछे वाले नंबर से किया टूजा से तो कितना आ गया टू एक्स टूजा फोर एक्स राइट क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट है इसलिए हमने इसके साइन चेंज कर दिए दोनों के ये वाला कैंसिल हो गया और इसमें प्लस और माइनस फोर में से थ्री गए माइनस वन एक्स प्लस वन राइट फिर क्या किया एक्स प्लस टू से किससे मल्टीप्लाई करूं मुझे यहां माइनस वन एक्स चाहिए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन एक्स माइनस टू और यहां पर सॉल्व करके इट्स प्लस थ्री तो मेरा क्वेश्चन वन एंड रिमाइंडर आ गया थ्री right? ये आपका था एग्जाम्पल नंबर सिक्स राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल सेवन एनसीआर टी क्वेश्चन डिवाइड थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव वाई वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सबसे पहले आप ये चीज देखिए ये आपका ऑर्डर नहीं है स्क्वायर वाली टर्म को लास्ट में लिखा हुआ है तो इसको सबसे आगे लाओ टू एक्स बीच में और वन लास्ट में राइट इन दिस वे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को डिवाइड किया पहले क्या चाहिए मुझे यहां पर थ्री एक्स का क्यूब राइट right? तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं एक्सक्वायर को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री आ गया स्क्वायर है मुझे यहां क्यूब चाहिए एक एक्स भी चाहिए यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स क्यूब अब थ्री एक्स को टू एक्स से किया सिक्स एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स को वन से किया थ्री एक्स फिर सबके साइन चेंज कर दिए, जब सब ट्रैक्ट किया यहां आ गया माइनस फाइव एक्स स्क्वायर यहां आ गया माइनस वन एक्स यहां प्लस फाइव फिर किससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया फाइव से फाइव को एक्स से किया फाइव एक्स किया एक्स फाइव को वन से किया माइनस फाइव सॉल्व किया ये रिमाइंडर आ गया तो आपका फाइनली आंसर आ रहा है क्वेश्चन जो आ रहा है थ्री एक्स माइनस फाइव आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो नाइन एक्स प्लस टेन आ रहा है राइट कोई डाउट नहीं है होप सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल एट डिवाइड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई एक्स माइनस वन माइनस एक्स इस क्वेश्चन में भी आपकी सेम प्रॉब्लम है पावर्स अरेंज्ड नहीं है सबसे पहले लार्जेस्ट पावर होनी चाहिए इस एक्स क्यूब को यहां पर लेके जाओगे तो एक्स क्यूब आगे आ गया स्क्वायर वाला उससे पीछे थ्री एक्स उससे पीछे फाइव उससे पीछे राइट और यहां भी सेम माइनस एक्स स्क्वायर आगे एक्स यहां माइनस वन यहां जब डिवाइड किया मुझे यहां माइनस एक्स क्यूब चाहिए पहला तो सेम चाहिए होता है बिल्कुल तो किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर को एक्स से माइनस एक्स क्यूब आ गया फिर एक्स को इस एक्स से किया प्लस वन एक्स स्क्वायर आ गया फिर एक्स को माइनस वन से किया माइनस वन एक्स आ गया साइन चेंज किए मेरी सेकंड लाइन आ गई ये वाली ठीक अब मुझे यहां पे टू एक्स स्क्वायर चाहिए ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वायर एक तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साइन भी प्लस का चाहिए तो ये माइनस है तो यहां भी माइनस लिया माइनस माइनस प्लस सेम इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर करके सारे लिख दिया और फाइनली सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है प्लस थ्री रिमाइंडर क्वेश्चन so, आ गया mark, x माइनस टू एंड रिमाइंडर आ गया थ्री क्लियर नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे तीन क्वेश्चन है तीनों में से एक पेपर में आता ही आता है और वो भी फोर मार्क्स का ये याद रखना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फाइंड जीरोज ऑफ टू एक्स की पार्ट फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू अगर इसकी दो जीरोज हो रूट टू एंड माइनस रूट टू ठीक है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितनी पावर वाला डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमल की फोर चार पावर है सबसे मैक्सिमम फोर पावर है देखो ये अगर फोर पावर है तो इसकी फोर जीरोज होंगी जितनी डिग्री मैक्सिमम है उतनी ही जीरोज होती हैं तो चार जीरोज में से आपको दो जीरोज तो गिवन है अब दो मिसिंग है तो दो आपको फाइंड आउट करनी है राइट तो दो जीरोज के लिए मैं क्या करूंगी पहले तो मैं इन दो, दो जीरो गिवन है इनसे एक पॉलिनोमल बना के उससे लॉन्ग डिवाइड कर दूंगी कैसे ये दो पॉलिनोमल की जीरोज पता है तो सम क्या होगा इन दोनों का सम ऑफ टू जीरो को एड कर देती हूँ रूट टू प्लस माइनस रूट टू रूट टू से रूट टू प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ ये माइनस टू सम पता है, है क्वाड्रेटिक निकालने का फॉर्मूला आपको पता है एक्स स्क् माइनस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना जीरो एक्स माइनस माइनस टू और ये आ जाएगा एक्स स्क् माइनस टू ठीक है यहां तक अब जो आपका पॉलिनोमल आ गया इस पॉलिनोम को इस फोर वाले पॉलिनोम से डिवाइड कर दो ये देखो एक्स स्क्वायेर माइनस टू जो यहां पे आया मैंने इसको यहां बाहर लिख दिया और जो गिवन पॉलिनोमल था उसको अंदर लिख दिया इसको लॉन्ग डिवाइड किया पहले टू से मल्टीप्लाई किया यहां टू एक्स फोर आ गया माइनस फोर एक्सक्वायर आ गया क्योंकि दो ही यहां पर वेरिएबल्स हैं तो दो ही जगह आएगा अब जो मिसिंग है सबसे पहले पावर के हिसाब से लिखना होता है तो क्यूब वाला पहले आएगा स्क्वायर वाला बाद में फिर एक्स वाला फिर टू फिर ये क्यूब बनाने के लिए स्क्वायर को मैं सिंगल थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस और रिमाइंडर आ गया वन एक्स स्क्स टू अब यहां भी एक्स स्क्स टू यहां भी तो सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये सोल्व होके मेरे पास आ गया कुछ ऐसे ठीक जो ये मेरा सोल्व होके आया अगर मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देती हूँ तो मेरी दो जीरो और आ जाएंगी क्योंकि मैं दो ही मिसिंग है दो तो पता थी तो टू एक्स स्क्स एक्स प्लस करती हूं प्लस वन टू एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस वन माइनस वन कॉमन ले लिया एक्स माइनस वन तो यहां से मेरी दो जीरोज आ रही है वन और हाफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट इसको अच्छे से कर लेना लिख के देख लेना ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री करवाती हूँ राइट